डेटा विजुलाइजेशन विद पावर बी के इस लेक्चर में मैं आपको खुशामद कहता हूँ इस लेक्चर के अंदर हम बार चार्ट्स और कॉलम चार्ट्स को देखने वाले हैं डेटा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया वहाँ पे जाके डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं चले ये जी हमारा पावर बी का इंटरफेस मौजूद है हम यहाँ पर सबसे पहले गेट डेटा पे जाएंगे गेट डेटा पे जाने के बाद हम डेटा को यहाँ पे डाउनलोड करेंगे फॉर एग्जाम्पल गेट डेटा पे मैंने क्लिक किया मैं यहाँ पे टैक्स एंड सी फाइल पे जाता हूँ यहाँ से मैं टिप्स का डेटा जो है उसे लोड करता हूँ जैसे मैंने इस डेटा को लोड किया इट विल टेक सम टाइम एंड देन आफ्टर दैट यू विल सी दिस काइंड ऑफ डेटा सेट ये हमारे पास पूरे का पूरा डेटा है इसमें टोटल बिल है टिप है सेक्स स्मोकर डे टाइम एंड साइज है यानी कि कितने लोग किसी एक होटल के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर टिप देते हैं और उनको किस तरीके से यूज़ करना है मैं लोड पे क्लिक करता हूँ लोड पे क्लिक करने के बाद ये डेटा जो है हमारे पास डेटा के अंदर आ जाएगा एंड यू विल सी सम हीर द डेटा हीयर और जैसे आपके पास ये डेटा यहाँ पे आएगा यू विल सी कि हम इससे डिफरेंट किस्म के चार्ट्स जो है बना सकते हैं जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी आपको बताया हुआ है जैसे ये डेटा हमारे पास यहाँ पे लोड होगा या कनेक्ट होगा Then वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द डेटा साइट जैसा कि ये हमारे पास डेटा है कॉलम है डे है सेक्स है साइज है स्मोकर टाइम एंड अदर थिंग्स तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कॉलम्स मौजूद हैं अगर आप गौर करें जब भी आपके पास यहाँ पे कुछ सबमिशन का साइन होगा दिस शोज के ये जो डेटा है ये बेसिकली नुमेरिक डेटा है और ये हमारे पास जो आ, दूसरा होगा डेटा ये होगा कैटागोकल डेटा और नुमेरिक और कैटागोकल डेटा की निशानी एक और भी है कि आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पर टेबल व्यू पर जाएँ टेबल व्यू पे जाने के बाद आप अपने डेटा को यहाँ पे व्यू कर सकते हैं एंड नाउ यू कैन सी के जो नंबर्स हैं वो आपका नुमेरिक डेटा है और टोटल बिल टिप सेक्स स्मोकर डे टाइम एंड साइज़ ये इनमें से जहाँ पे इंग्लिश लिखी है वो स्ट्रिंग किस्म का डेटा है इसको हम कैटेगोरिकल डेटा बोलते हैं और दूसरा नुमेरिक डेटा होता है ठीक है और अगर आप भी डेटा के टाइप्स और बाकी चीज़ों को देखना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड के आप हमारी वेबसाइट पे जाएं कोडेनिक्स डॉट कॉम कोडेक्स डॉट काम पर जाने के बाद आप बुक्स में जाएं बुक्स में ए बी सी ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस में बुक्स जो है वो अपलोड हुई पड़ी है आप यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास चैप्टर्स होंगे जिसमें आपके पास मेयरमेंट है और मेयरमेंट का चैप्टर नंबर थ्री जो है इसके अंदर मैंने आपको स्केल्स ऑफ मेयरमेंट हैं एंड डेटा की डिफरेंट टाइप्स बताई हुई हैं अगर आप थ्री पॉइंट सेवन को यहाँ पर पढ़ लेंगे दैन यू विल अंडरस्टैंड कि प्राइमरी डेटा क्या है सेकेंडरी डेटा क्या है आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा क्या है डिस्क्रीट क्या होता है कॉन्टिन्यूस क्या होता है कैटेगोरिकल डेटा क्या है ऑर्डिनरी डेटा क्या है नॉमिनल डेटा क्या है बाइनरी डेटा क्या है टाइम सीरीज डेटा क्या है क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या है लॉन्गिट्यूडनल डेटा क्या है स्पेशल डेटा क्या है मल्टी डायमेंशनल डेटा कौन सा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा है ये बुक का जो आप लिंक है कोडेनिक्स डॉट काम पर जाने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि बुक्स पे जाएंगे एंड देन यू कैन एक्चुअली गो टू द चैप्टर नंबर थ्री पॉइंट सेवन और ये वाला जो चैप्टर है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा टाइप सारी इसमें लिखी हुई है कमिंग बैक टू द पॉइंट ये हमारे पास डेटा इस तरीके से आ गया बार चार्ट बनाने के लिए आप कोई भी यहाँ से बार चार्ट उठाएंगे फॉर एग्जाम्पल ये मैं पहले वाला बार चार्ट उठा के आ, इसको यहां पे ऐड कर देता हूँ जैसे मैंने इस बार चार्ट को यहां पे ऐड किया यू कैन सी कि मैं यहाँ पे कंट्रोल का बटन प्रेस करके अगर स्क्रोल अप करूँगा अपने माउस व्हील को इट विल जूम इन ठीक है दूसरी जगह पे आप यहां पे डाउन इस जगह पे आके आप यहां से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं ठीक है सो so, यहाँ से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं बट ऑन द अदर साइड स्क्रोल से मेरे पास ये जूम इन जूम आउट हो रहा है एंड वट आई कैन डू नाउ यहाँ पे अगर आप गौर करें आपके पास एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है लीजेंड है स्मॉल मल्टीपल है एंड टूल टिप है एंड यू कैन एड डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा सेट हेयर फॉर एक्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी एक चीज़ लिखता हूँ मैं एक्स एक्सिस पे ये वाला सेक्स का कॉलम जो है उसे ऐड कर देता हूँ मैंने जैसे एक्स एक्सिस पे सेक्स का कॉलम ऐड किया एंड देन आई कैन एक्चुअली पुट टोटल बिल ऑन वाई एक्सिस मैंने जैसे y एक्सेस पर टोटल बिल किया सी अ प्लॉट हियर और आपके पास एक प्लॉट बन गया जो मेल वर्सेस फीमेल उनकी बेस पे सम ऑफ़ द टोटल बिल आपको बता रहा है कि टोटल बिल कितना है अगर आप गौर करें आप सम नहीं रहना चाहते इसका सो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सम का कॉलम इसने बना दिया सम ऑफ द टोटल बिल आपके पास आ रहा है आप इसकी बजाय सम की बजाय यहाँ पे एवरेज भी कर सकते हैं या आप इसी को मिनिमम भी कर सकते हैं मैक्सिमम भी काउंट स्टैंडर्ड एविएशन वेरिएंस मीडियम कुछ भी कर सकते हैं सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एवरेज करता हूँ नाउ यू विल सी हीयर कि आपके पास एवरेज ऑफ टोटल बिल यानी कि ऑन एन एवरेज कौन सा टोटल बिल है जो मेल पे करते हैं इस रेस्टोरेंट में और फीमेल क्या करती हैं ठीक है और अगर मैं चाहूं कि डे वाइज इसको सेपरेट करूं तो मैं यहां से डे का कॉलम उठाऊंगा डे का कॉलम उठाने के बाद मैं लीजेंड्स में इसे पेस्ट कर दूंगा एंड नाउ यू विल सी अ स्टैग्ड बार चार्ट जिसमें डे वाइज़ आपको बिल दिया हुआ है ठीक है यानी कि फ्राइडे का कितना पोर्शन है सैटरडे का कितना है संडे का कितना है एंड थर्सडे का कितना है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे ये आपके पास डे वाइज इस तरीके से आ जाएगा एंड देन यू कैन सी कि आप किस तरीके से इस पूरे डेटा को देख सकते हैं ऑन दी अदर साइड आप अगर कुछ और भी इसमें ऐड करना चाहें यू कैन डू दैट लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से मैं इसको विजुअल जो है मेरे पास सजेशन आई है उसको सेलेक्ट करूँ तो आप यहाँ से इस प्लॉट की टाइप भी चेंज कर सकते हैं हॉरिजोंटल स्क्रोल कर सकते हैं वर्टिकली कर सकते हैं और बार को ग्रुप की तरफ भी लेके आ सकते हैं ठीक है सो यू कैन डू वट यू वॉन्ट टू डू इट्स टोटली अप टू योर माइंड सेट कि आपने कौन सा प्लॉट बनाना है यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट करूँ डिफरेंट किस्म के प्लॉट आई कैन ड्रॉ मल्टीपल प्लॉट्स फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा स्कैट टैग बार पार्ट बन गया ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल ग्रुप है ये मेरे पास वर्टिकल क्लस्टर ग्रुप बार चार्ट है ये मेरे पास टैक्ड बार चार्ट है अगैन और ये मेरे पास टैग कॉलम चार्ट या बार चार्ट इसको आप बोल सकते हैं समथिंग लाइक दिस और ये मेरे पास इस तरीके से बन रहा है और ये बार चार्ट की डिफरेंट किस्म की जो मेरे पास विजुअल्स हैं आई कैन एक्चुअली मेक अकॉर्डिंग टू माई ओन यू नो परसेप्शन ठीक है और यहाँ पर जो मेरे पास सम आ रहा था उसको मैंने एवरेज में चेंज कर दिया यू कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक काउंट तो आप अकाउंट में भी चेंज कर सकते हैं एंड यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू सो फॉर मी एवरेज साउंड स्कूड क्योंकि ऑन एन एवरेज मुझे बिल देखना है कि किसने कितना पे किया अब मेरे पास ये स्मोकर का एक कॉलम है एंड आई वॉन्ट टू एड दैट इन टू सम अदर कॉलम मैं यहाँ पर स्मोकर को ऐड करता हूँ यू सी नाउ कि मेरे पास अगर सेक्स मेल है फीमेल है स्मोकर नो एंड येस ये मेरे पास सेपरेट ग्रुप के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर सकता हूँ एंड देन आई कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक दिस या दिस तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास सेक्स है मेल फीमेल आ गया मेरे पास और ये स्मोकर नो है यहाँ पर यस है ठीक है सो इस तरीके से हमारे पास ये पूरे का पूरा प्लॉट बन रहा है और मैं यहाँ से स्मोकर को भी चेंज कर सकता हूँ मैं इसकी बजाय टाइम रख देता हूँ सो यू विल सी डिनर टाइम एंड लंच टाइम और अगर मैं टाइम को भी यहाँ पे सेक्स के अंदर चेंज कर देता हूँ और यहाँ से सेक्स को मैं टाइम के अंदर चेंज कर देता हूँ यू विल सी के टाइम हमारे पास नीचे आ गया डिनर वर्सेज लंच और ये मेरे पास फीमेल एंड मेल आ गए ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली व्यू द डेटा सेट सो अगर आप चाहें यहां से टाइम को भी चेंज कर सकते हैं मैं सेक्स वाले कॉलम को यहां से निकाल देता हूँ यू विल सी के सेक्स के बगैर जो हमारे पास कॉलम है यानी कि जेंडर के, के बगैर हमारे पास जो कॉलम है वो यहां पे आ गया एंड आई कैन ऑन ऑल्सो ड्रैग एंड ड्रॉप वट एवर आई वॉन्ट टू डू ऑन एक्स एक्स इज समिंग लाइक दिस तो मेरे पास ये प्लॉट बन जाएगा दिस इज हाउ इजी इट इज टू प्लॉट अ बार चार्ट या कॉलम चार्ट इन साइड पावर बी आई सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड एवरी थिंग इज देयर इससे इन साइड्स कैसे लेनी है इंशाल्लाह उसके बारे में हम बात करेंगे पहले प्लॉटिंग को देख लें आपको यहाँ तक अगर किसी बात की समझ नहीं लगी राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ऑन द अदर साइड आप प्रैक्टिस करें कम से कम तीन बार चार्ट या कॉलम चार्ट बनाएं और उनको सेव करने की कोशिश करें सी यू इन द नेक्स्ट वन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड चैनल बिकॉज वी पुट सम एफर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट आई वुड से टू टीच यू गाइज इन स्पेसिफिक वे ताकि आप सीख सकें अपना ख्याल रखिएगा सी यू इन द नेक्स्ट